हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन के ट्रेंड्स और साथ ही साथ जो ट्रांजिशन थ्योरी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे पहले हमें देखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज द चेंजेस इन द इनहैबिटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और ए टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि इसमें कोई भी जो स्पेसिफिक पीरियड दिया जाता है, टू पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजेस आते हैं पॉपुलेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसा कि हम समझ सकते हैं इसको, जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे देख सकते हैं कि 2001 और 2011। अब हमने कहा था कि स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है, कोई भी टेरिटरी, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो 2001 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो थी 102.70 करोड़, जो कि 2011 में कितनी हो गई, 121.02 करोड़। यानी कि जो चेंजेस अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, चेंजेस कितना है, इंक्रीजन हुआ है पॉपुलेशन का स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। जो चेंजेस आ रहे हैं वो कितना था, 18.32 करोड़। जो ये चेंजेस आए हैं इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ग्रोथ हम किसको कहेंगे, जब इंक्रीजन होता है, यानी कि हम देखते हैं डिकेडल जो चेंजेस आ रहे हैं उनमें जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ कब होती है, जब डिक्रीजन होता है। यानी कि हम कैसे बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में 100 थी पॉपुलेशन, वो आगे चल के कितनी हो गई, डिकेडल चेंज उसमें जो 10 साल के बाद जो चेंजेस आए वो अगर मान लो वो 80 हो जाती है, तो ये क्या होगा, डिक्रीजन हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ग्रोथ। जैसा कि हम देखते हैं कि 1921 में जो इंडियन पॉपुलेशन में देखा गया था, जो पॉपुलेशन में डिक्रीजन था, तो वही पॉपुलेशन को जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन की नेगेटिव ग्रोथ। अब इससे आगे बात करते हैं हम पॉपुलेशन ग्रोथ की, पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं, उसको भी हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट उसमें आता है एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है कि जब हम पॉपुलेशन, जैसे हमने यहाँ पे देखी थी 2001 से 2011 के जो चेंजेस आया था वो कितना था हमारा, 18.32 करोड़। तो ये जो नंबर में हम इसको डिनोट करेंगे तो यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं एब्सोल्यूट नंबर में। और दूसरा जो तरीका होता है उसको हम बताएंगे परसेंटेज टर्म। परसेंटेज टर्म्स में क्या होती है कि 2001 से 2011 में जो चेंजेस आए पॉपुलेशन में उसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। जैसे जो डिकेडल चेंज अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन के बताएं तो वो कितना था, 17.64%। जो 2001 से 2011 में जो चेंजेस आए अगर हम उनको परसेंटेज में देखते हैं तो हम ऐसे देख सकते हैं। तो ये होते हैं जो दो तरीके हम जो पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं, तो एब्सोल्यूट नंबर की कोई भी जो नंबर होता है हम उसी में बताएं, या फिर हम उसके परसेंटेज से उसको शो करें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जब भी हम बात करते हैं तो फर्स्ट उसमें हमारा आता है नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ में हम क्या देखते हैं, डिफ्रेंसिएशन देखते हैं बर्थ्स और डेथ्स में, कि एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसके जो टू पीरियड्स ऑफ टाइम में जो पॉपुलेशन में जो चेंजेस आए हैं, या जो पॉपुलेशन में जो एक बर्थ्स कितने हुए हैं और उनमें से डेथ कितनी हुई है, उसका जब हम डिफ्रेंसिएशन देखते हैं तो उसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ, जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं, बर्थ्स माइनस डेथ्स, कि पर्टिकुलर एरिया में कितने बर्थ्स कि जन्म जो लिया था वो कितने हैं और साथ ही साथ जो मरने वाले कितने हैं, उनका जब हम डिफ्रेंसिएशन देखते हैं तो उसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ। सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हम बता सकते हैं एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ में क्या होता है, एक्चुअल ग्रोथ वही सेम होती है कि हम इसमें पर्टिकुलर एक जो एरिया दिया जाता है उसमें टू पीरियड्स ऑफ टाइम में जो हम देखते हैं डिफ्रेंसिएशन, वो किस किस के बीच में देखा जाता है, बर्थ्स माइनस डेथ्स, कि लाइव बर्थ्स वहां पे कितने हैं और डेथ्स उनमें से कितनी की हो चुकी है। प्लस हम इसमें साथ ही साथ क्या देखते हैं कि जो माइग्रेशन हुआ है, इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। तो एक्चुअल ग्रोथ में हम क्या देखते हैं, बर्थ्स का जो डिफ्रेंसिएशन देखते हैं हम, वो किसमें देखते हैं, बर्थ्स माइनस डेथ्स, और साथ ही साथ हम उसमें ऐड कर लेते हैं इन माइग्रेशन की, उस एरिया में जहां पर हम
जिस पर्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं उसमें इन माइग्रेशन की, उस पॉपुलेशन में, वहां की जो पॉपुलेशन है उसमें कितने बाहर से आकर और ऐड हो गए हैं, और आउट माइग्रेशन का मीनिंग है कि उस पर्टिकुलर प्लेस से कितने ऐसी पॉपुलेशन है जो बाहर चली गई है। जो हम इनमें सभी देखते हैं वो किसमें आता है, हमारा एक्चुअल ग्रोथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके कारण पॉपुलेशन में चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली जब भी हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की तो इनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फर्टिलिटी और बर्थ रेट, एंड द सेकेंड इज मोर्टैलिटी, डेथ रेट, एंड थर्ड इज माइग्रेशन। कि जब भी पॉपुलेशन में जो चेंजेस देखते हैं उनके लिए जो बेसिकली कंपोनेंट्स की जो नीड होती, घटक जो होते हैं वो यही तीनों होते हैं कि फर्टिलिटी या बर्थ रेट, कि पर्टिकुलर एक रीजन है वहां पे बर्थ रेट क्या है, साथ ही साथ हम उसमें देखते हैं कि डेथ रेट जो कि डिसाइड करती है पॉपुलेशन में चेंजेस को, और थर्ड पॉइंट उसमें होता है माइग्रेशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्टिलिटी और बर्थ रेट को। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हमारा फर्स्ट आता है फर्टिलिटी और बर्थ रेट। बर्थ रेट जो होती है वो फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करती है, तो फर्टिलिटी को हम शो करते हैं TFR से, टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसमें क्या होता है कि जो पर वुमन यानी कि जितने भी बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, जो पर वुमन चिल्ड्रन की जो बर्थ होते हैं उनके रेशियो हम निकालते हैं, वही TFR या फर्टिलिटी रेट होती है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट में जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड की, कि वर्ल्ड की जो टोटल फर्टिलिटी TFR है वो कितनी है, 2.5 चिल्ड्रन पर वुमन। ये जो हम बता रहे हैं ये होगा 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया की TFR कितनी, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, तो वो आएगा 2.22 चिल्ड्रन पर वुमन। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जब भी हम TFR देखते हैं तो वो 2.1 के अराउंड होती है, नेगेटिव भी हम उसको बता सकते हैं, जो जापान कंट्रीज है उसमें सबसे कम है। जो सबसे ज़्यादा TFR देखी जाती है वो साउथ अफ्रीका के नाइजीरिया में देखी जाती है, जहाँ पे हम कितनी बता सकते हैं, नाइजीरिया के जो TFR है वो है 5.39 चिल्ड्रन पर वुमन। अगर हम टोटली देखें साउथ अफ्रीका की फर्टिलिटी रेट तो वो आती है हमारी 2.4 चिल्ड्रन पर वुमन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहारन जो रीजन्स हैं उनमें नाइजीरिया की मिलती है, जो कितनी है, 5.39 चिल्ड्रन पर वुमन। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्थ रेट, जो कि हमारी फर्टिलिटी रेट पर ही डिपेंड करती है। बर्थ रेट का मीनिंग होता है, इट इज़ एक्सप्रेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन थाउजेंड्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम शो करते हैं CBR से, क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट को हम निकालते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/P मल्टीप्लाई 1000। ये B होते हैं यानी कि लाइव बर्थ जो हैं चिल्ड्रंस के, और P होती है पॉपुलेशन, जिसको हम कब देखते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन, यानी कि हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि कोई भी पॉपुलेशन किसी भी ईयर के स्टार्टिंग और लास्ट की नहीं, हम उसके मिड में जो देखते हैं वो पॉपुलेशन, कि यहाँ पे हम निकाले CBR, क्रूड बर्थ रेट। तो उसके निकालने का फॉर्मूला ये है, ये क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं, कंपोनेंट हैं पॉपुलेशन चेंजेस के, कि इनके अकॉर्डिंग कितने बर्थ रेट है, CBR कितनी है, TFR कितनी है, वो पॉपुलेशन के जो चेंजेस हैं उनको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट पे हम इसमें बता सकते हैं मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी को हम कैसे देखते हैं, मोर्टैलिटी को हम बता सकते हैं जिसमें हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग होता है कि एवरेज एज जो एक्सपेक्ट की जाती है जीवन जीने के लिए, उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि हम मोर्टैलिटी रेट के लिए जो बेस होती है, ये डिपेंड करती है किसी भी कंट्री के हेल्थ केयर पर। वर्ल्ड लेवल पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक्सेप्ट की गई थी जो लाइफ, वो कितनी थी, 1950 to 1955 जो बताई गई थी वो थी 47 ईयर, जो कि किस पर डिपेंड, हम बता रहे हैं किसी भी कंट्री के हेल्थ केयर पर। तो उस टाइम पीरियड में हम क्या देखते थे कि जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज थी वो कम अवेलेबल थी, इसलिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट निकाली गई थी वो कितनी थी, 47 ईयर। वही ये जो इंक्रीजन हुआ इसमें, हम इसमें बता सकते हैं 2005
2010 में जो इसमें इंक्रीजन हुआ वो हो गया, तब ये आके होगी हमारी 67 ईयर्स। ये हम बात कर रहे थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, कि जो कि हमने पहले भी बात की थी कि जो हेल्थ केयर पर डिपेंड करती है, जैसी फैसिलिटी हेल्थ केयर यानी कि जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं हेल्थ से रिलेटेड, उन्हीं पर वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है वो डिपेंड करती है। जैसे अगर हम बात करें यूएसए की, तो जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे हमारे मोर्टेलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेथ रेट की। डेथ रेट में भी वही है कि जो हम बर्थ रेट में देख रहे थे, कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर मरने वालों की जो संख्या हम निकालते हैं वो हमारी डेथ रेट होती है। इसको हम किससे शो कर सकते हैं? CDR, क्रूड डेथ रेट। CDR को भी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D/P × 1000। डी वही होता है डेथ्स होती हैं, पी फॉर पॉपुलेशन। ऐसे ही हम निकालते हैं CDR। तो जो कंपोनेंट होता है डेथ रेट, यानी कि ये भी क्या करते हैं पॉपुलेशन में चेंजेस जो आते हैं उसमें एक रोल प्ले करती है डेथ रेट की, किसी भी एरिया में कितनी डेथ्स हो रही हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी या डिक्रीजन होगा, वहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ होगी या नेगेटिव ग्रोथ होगी, वो डिपेंड करती है वहाँ की डेथ रेट पर। थर्ड कॉम्पोनेंट हमारे इसमें आता है माइग्रेशन। फर्स्टली आता है माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन के जो हम समझ सकते हैं टू टाइप्स होते हैं, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इसको हम बता सकते हैं इन माइग्रेशन और ये होता है आउट माइग्रेशन। फर्स्टली तो ये हम देखते हैं कि माइग्रेशन करते क्यों हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर सोशल लाइफ के लिए जो पॉपुलेशन मूवमेंट करती है उसको माइग्रेशन करती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का यानी कि इन माइग्रेशन, हम किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें, इस पर्टिकुलर रीजन में अगर किसी न्यू प्लेस से पॉपुलेशन यहाँ पर आकर रहती है या परमानेंटली जो सेटलमेंट करती है उसको हम कहेंगे इमिग्रेशन या इन माइग्रेशन, कि यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि न्यू पॉपुलेशन आके इसमें ऐड हो जाती है। आउट माइग्रेशन हम क्या कहेंगे कि एक पर्टिकुलर रीजन है यहाँ से पॉपुलेशन किसी भी न्यू प्लेस पर चली जाती है, कि यहाँ पर पॉपुलेशन किसी भी पर्टिकुलर रीजन से न्यू प्लेस पर माइग्रेट कर जाती है। तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का डिक्रीजन होता है वो किसी न्यू प्लेस पर वो चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आउट माइग्रेशन, कि एक पर्टिकुलर रीजन से कहीं बाहर चले गए हैं। और जब किसी भी पर्टिकुलर या न्यू प्लेस से एक पर्टिकुलर रीजन में आते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उसको हम बोलते हैं इन माइग्रेशन। जब भी हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन में आते हैं कि फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को। तो जब भी हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो माइग्रेशन के फैक्टर्स में टू फैक्टर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है पुश फैक्टर एंड सेकंड इज पुल फैक्टर। इनको कैसे समझ सकते हैं? पुश फैक्टर में क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन होता है वो क्या बन जाता है, ओरिजिन पॉइंट बन जाता है, कि यहां से पॉपुलेशन किसी भी न्यू एरिया में माइग्रेट कर जाती है तो उसको हम कहेंगे पुश फैक्टर। पुल फैक्टर में एक पर्टिकुलर जो रीजन होता है वो डेस्टिनेशन पॉइंट बन जाता है, कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो न्यू जो प्लेसेस है वहाँ से यहाँ पर माइग्रेट करती है। तो ये टू फैक्टर्स होते हैं, कि एक तो होता है कि जहाँ से पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरी जगह पर जाती है, और सेकंड होता है कि पुल फैक्टर, कि जहाँ से न्यू एरिया से पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर रीजन में आती है, यानी कि उनका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। देखिए, जब भी हम फैक्टर्स की बात करते हैं पुश फैक्टर की, तो ऐसे कौन से रीजंस होते हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं कि जिनके कारण जो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया से किसी दूसरी जगह पर माइग्रेट करती है। जैसे हम बता सकते हैं कि रूरल एरियाज से
जो अर्बन एरियाज में माइग्रेट करती है, तो उसको कहेंगे हम पुश फैक्टर। पुश फैक्टर में क्यों करती हैं? कारण है उसका कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, अनपीजेंट जो क्लाइमेट अवेलेबल होता है, वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंस, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, तो पॉपुलेशन वहाँ से अलग जो जगह होती है, न्यू प्लेसेस पे जहाँ पे उनको अवेलेबल हो रही है वहाँ पे चली जाती हैं। तो ये फैक्टर होता है जो इन्फ्लुएंस करता है माइग्रेशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुल फैक्टर की, यानी कि वो किसी भी जो न्यू एरियाज हैं वहाँ से पॉपुलेशन को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि हम यहाँ पे बता सकते हैं कोई भी मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज के एग्जाम्पल हम यहाँ बता सकते हैं कि आसपास के जो रूरल एरियाज हैं वो वहाँ पर आते हैं। कारण क्या होता है उसका? वही होता है कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो अवेलेबल होती है, प्रॉपर्टीज और लाइफ की जो सिक्योरिटीज अवेलेबल करवाते हैं, या वहाँ का जो क्लाइमेट है अगर वो सफिशियंट है, प्लीजेंट क्लाइमेट है, तो भी जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर जाती है किसी भी अनप्लीजेंट क्लाइमेट से प्लीजेंट क्लाइमेट की तरफ। इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं जिसमें से मेन मेन हमने डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मीनिंग होता है कि किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम में, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की जो पॉपुलेशन है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद डबल हो जाना, इस डबलिंग टाइम। यानी कि वो पॉपुलेशन डबल होने में जितना टाइम लेती है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम जो डिपेंड करता है वो करता है किसी भी एरिया की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ पर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी है? 1.9%। तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन, यानी कि डबलिंग जो टाइम लगेगा पॉपुलेशन को डबल होने में, वो कितने होंगे? 36 ईयर्स। यानी कि हम बता सकते हैं कि किसी भी, यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी जो एनुअल ग्रोथ रेट है, कि कितनी भी पॉपुलेशन उसकी एनुअल ग्रोथ रेट है कि एक साल के बाद 1.9% पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन थी उसमें और ऐड हो जाती है, तो वो होती है एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब इंडिया की है 1.9%, तो उसको डबल होने में, यानी कि इस रेट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा? 36 ईयर्स। अगर हम डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, यानी कि हम बात करें यूके एंड जापान की, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 0.2%। तो इस एनुअल ग्रोथ रेट से हम बता सकते हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन, यानी कि डबल होने में टाइम कितना लगेगा? 318 ईयर्स। तो ऐसे हम निकालते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, कि वो डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर। अब आपको स्क्रीन पर जो टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल से हम डिस्कस करेंगे स्पाइशल पैटर्न इन पॉपुलेशन चेंज। जैसा कि आप टेबल में देख रहे हो, इसमें रीज़न बताए गए हैं जिसमें हम अलग अलग रीजन्स की बात करेंगे, और साथ ही साथ जो ग्रोथ रेट बताई गई है टू पीरियड्स ऑफ टाइम की, कि हम उसमें देखते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव हुई है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें एक सेकेंड टाइम पीरियड में वो नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई है। तो उसी को, यानी कि जब हम जो स्थानीय विभिन्नताएं देखते हैं अलग अलग जगह पर पॉपुलेशन में जो चेंजेस आते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पेशल पैटर्न इन पॉपुलेशन चेंज। कि जो देखते हैं कि डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ कम होती है बजाय किसके? डेवलपिंग कंट्रीज के। डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो जो हम देखते हैं कि कोरिलेशन होता है, किसमें? एक नेगेटिव कोरिलेशन देखते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ में। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ की इकोनॉमी वीक होती है, जबकि जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रोंग होती है। अब इसी में हम जो आगे कुछ बेसिक्स जो पॉइंट हैं पॉपुलेशन चेंजेस के, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे इसमें बताया गया अफ्रीका हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, कि अफ्रीका की जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट बताई गई है 2.4%। ऐसे ही हम देखते हैं अफ्रीका के लाइबेरिया में जो बताई जाती है वो है 2.8%, रवांडा और नाइजीरिया में 7.7% है। तो ये आप इसमें से कुछ बेसिक पॉइंट है, इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं और भी ज़्यादा इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप के जैसे हमने पहले बताया था कि जो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ
कम होती जा रही है, तो हम देख रहे हैं 0% है या नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। नेक्स्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं, तो एशिया में जो मोस्ट इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, वहाँ की पॉपुलेशन की जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो थोड़ी ज़्यादा है कि 2% है, और इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ 1.9% है। ऐसे देखते हैं हम लैटिन अमेरिका की जो बोलविया, कोस्टारिका और ग्वेटेमाला के जो पॉइंट्स बताए गए हैं, यानी कि जो एरियाज बताए गए, वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ बताई गई है 2%, और इससे अलग जो क्यूबा है वहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलती है वो 0.4% है इन सेम टाइम पीरियड में। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ को आप समझने के लिए इस फिगर को देख सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इससे हम ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर पॉपुलेशन की हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इस जो स्टेजेस तक अब पहुंची है, उस स्टेज तक जो पॉपुलेशन पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी। जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता रहा तो पॉपुलेशन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ मेन पॉइंट है जिन पर हम फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रीवियस टाइम पीरियड की, जो टाइम पीरियड था 8,000 to 12,000 ईयर्स एगो का, कि उस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हम उसको बोल सकते हैं, और पॉपुलेशन का साइज़ उस टाइम पे बहुत कम था। उसका कारण बताया गया कि पॉपुलेशन क्या थी, कि जो एग्रीकल्चरल वर्क करती थी और आसपास के एरियाज़ में ही मूवमेंट करती थी वो, ना कहीं उनके पास कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं थी और उनको कोई इस बात की नॉलेज भी नहीं थी। जो उनकी जो बेसिक नीड्स थी उनको फुलफ़िल करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो पॉपुलेशन में जो चेंजेस आए यानी कि ग्रोथ रेट हमें कम ही देखने को मिलती है इस टाइम पीरियड में। अगर हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस टाइम पीरियड में 0.25 बिलियन। बेसिकली जो पॉपुलेशन की ग्रोथ के जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं वो 16th and 17th century में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी हो गई थी, 0.5 बिलियन। उसका एक रीज़न था एक्सपेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा होने लग गया था। जैसा कि हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और जो अदर जो जो फॉरेन ट्रेडर्स आए थे लाइक ब्रिटिशर्स और पुर्तगीज़, तो उनके आने से और जो इंटरनेशनल ट्रेड जो डेवलप हुआ उससे भी जो पॉपुलेशन में चेंजेस आए, ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 1750 की, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन उस टाइम पीरियड में थी 0.7 बिलियन। इस टाइम पीरियड में जो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन थी उसका उदय हो चुका था, उसके कारण भी यानी कि जो रोज़गार ज़्यादा मिलने लग गए थे, अपनी ज़रूरतों को जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा पूरा कर रही थी, उनकी जो बेसिक नीड्स थी वो फुलफ़िल होने लगी थी, पॉपुलेशन में भी चेंजेस आ रहे थे। 18th century में जाके जो हम देखते हैं 1800 to 1850 जो पॉपुलेशन थी वो 1.3 बिलियन हो गई थी। उसका रीज़न था ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट, जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है इस टाइम पीरियड में, कि ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हो चुका था, पॉपुलेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस आसानी से जो मूवमेंट करने लगी थी, और उसमें जो सबसे बड़ा हाथ था वो था स्टीम इंजन्स का, क्योंकि जो पहले जो ट्रेड और जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो बाय फुट करते थे, लेकिन इसके बाद क्या हो गया कि इंजन जो आ गया स्टीम इंजन से, जो रेवोल्यूशन भी हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो और ज़्यादा बढ़ गया था, तो पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने लगी और पॉपुलेशन में चेंजेस आने लगे। 19th century की अगर हम बात करते तो एक्सप्लोशन हुआ था इस टाइम पीरियड में, क्योंकि इसके भी कई कारण आते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी हो गई थी यहाँ पे 1.7 बिलियन, 1950 की अगर हम बात करते तो 2.5 बिलियंस हो गई थी, 2000 की अगर बात करें तो 6 बिलियंस की जो पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो इसका जो कारण था वो था इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि सैनिटेशन ज़्यादा हो गया था, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल गई थी, और साथ ही साथ जो एपिडेमिक्स थी यानी कि जो महामारियाँ थी उनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ पे इस टाइम पीरियड पे ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों को फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलने लगी थी, जो डेथ रेट थी वो डाउन आ गई थी। तो इससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन में चेंजेस आ गए थे। 2010 में अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन देखते हैं तो वो हो गई थी 6.9 बिलियन, और ऐसे ही हम देखते हैं एनुअल ग्रोथ रेट, कि एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि जो 2025 में जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो बताया गया है 8 बिलियन से भी अबोव हो जाएगी। उसमें भी जो कारण बताया गया कि इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर्स की ज़्यादा जो इन्हेंस हो गया, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई, जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ उसके कारण भी जो चेंजेस आ गए हैं, यानी कि पॉपुलेशन में अब अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखते तो बर्थ रेट तो डाउन हुई है, लेकिन क्या है कि डेथ रेट भी डाउन ही हो गई है, क्योंकि अब लोगों को फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलने लग गई हैं। बर्थ रेट इसलिए डाउन आ गया क्योंकि अवेयर हो चुके हैं, इलिटरेसी जो कम हो गई है लिटरेट हो गए हैं, तो उनसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन अब चाहे बर्थ रेट कितनी भी डाउन आ जाए,
क्योंकि जो पास्ट की जो पॉपुलेशन थी वो एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि अगली जो पॉपुलेशन आती है उसमें ऐड होती चली जाती है, तो पॉपुलेशन रेट ग्रोथ ही होता है। अगर कंक्लूजन देखें हम ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ का, तो वो देख सकते हैं कि हम जो 16th जो सेंचुरी स्टार्ट हुई थी यानी 1650 से और एट प्रेजेंट टाइम तक जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो हुए हैं उनसे पॉपुलेशन में काफ़ी चेंजेस आए हैं और पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड द नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट वॉज गिवन बाय W.S. थॉम्सन इन 1929। एंड दिस थ्योरी शोज दैट डेमोग्राफिक चेंजेस क्या हैं कि हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट व्हेन पीपल प्रोग्रेस, कि पीपल प्रोग्रेस करते हैं फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट सोसाइटी टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। यानी कि किसी भी क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है उसका अगर वर्णन और भविष्य में उनकी पूर्वानुमान लगाने के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का यूज़ किया जाता है। एंड दिस थ्योरी इज़ करेक्टराइज्ड बाय स्टेज विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। सिंपली हम इसमें क्या बता सकते हैं कि जब पॉपुलेशन किसी भी रूरल और एग्रेरियन एरिया से अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप करती है यानी कि प्रोग्रेस करती है, तो उनकी जो पॉपुलेशन हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था वो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके रीज़न होते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि इलिटरेसी से जब लिटरेट होते हैं तो उनको जो पॉपुलेशन चेंजेस आते हैं या उनको जो फैमिली मेंबर्स उनके होते हैं उनके फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको पता चल जाता है, तो पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की जो फिगर है उससे समझ सकते हैं कि इसके में जो फर्स्ट स्टेज है इसमें बताया गया कि द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टलिटी बिकॉज एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई से जो डेथ्स होती थी वो लोग उनको जल्दी ही रिप्रोड्यूस करते थे। तो इस स्टेज में हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन में जो वृद्धि हो रही थी यानी कि जो चल रही थी उनकी ग्रोथ हो रही थी वो बहुत स्लो थी और एग्रीकल्चर वर्क ज़्यादा होता था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लो लेवल की थी। उसका कारण बताया गया कि पीपल आर इलिटरेट एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जो वर्ल्ड की जो सिचुएशन थी पॉपुलेशन में तो वो फर्स्ट स्टेज में हमें देखने को मिलती है अगर हम 200 इयर्स बैक जाते हैं यानी कि 200 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड की जो आज जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसी सिचुएशन में और इसी स्टेज में थी। प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश इसी स्टेज में आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के शुरुआत में जो फर्टिलिटी रेट होती है वो हाई होती है बट टाइम के साथ साथ जो उसमें डिक्लाइन आता है यह स्टेज घटी हुई डेथ रेट के साथ आती है, मीन्स डेथ रेट लो हो जाती है। इसके भी कारण हैं क्योंकि इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस, मीन्स डेथ रेट तो लो हो गई बट बर्थ रेट हाई होती है जिससे कि जो स्टेज है पॉपुलेशन एडिशन हाई होता चला जाता है। तो इस स्टेज में हम देखते हैं जो फर्टिलिटी रेट होती है वो हाई होती है और डेथ रेट होती है वो लो हो जाती है। तो जो पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इसी एरिया में देखा जाता है यानी कि इसी स्टेज में हम बता सकते हैं। एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो पेरू एंड श्रीलंका, केन्या जैसे देश जो आते हैं वो इसी स्टेज में आते हैं। थर्ड एंड लास्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट दोनों में डिक्लाइन देखने को मिलता है यानी कि लो लेवल की देखने को मिलती हैं। इस स्टेज में पॉपुलेशन या तो स्टेबल होती है या स्लोली स्लोली ग्रो करती है। उसके भी रीज़न बताए गए हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड लिटरेट एंड द हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है एंड दे नो हाउ कंट्रोल द फैमिली साइज। प्रेजेंट टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक कनाडा, जापान एंड अमेरिका जैसे जो देश हैं वो इस स्टेज में थर्ड स्टेज में आते हैं। ओके तो ये हमने डिस्कस की डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, द वर्ल्ड पॉपुलेशन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।